मशीन खरीदो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसी तरह व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरत होती है आध्यात्मिकता की। ये अंधविश्वास नहीं, अंधत्व को दूर करने वाली है। सूरज उगता है तो फूल खिलते हैं, वो महक उठते हैं। मधुमक्खियां रसपान के लिए मंडराने लगती हैं। तमस में सोया संसार फिर से स्फूर्त होकर उमंग और उत्साह में भरकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है। रात्रि में विश्राम पाकर सबका जीवन फिर अपनी अपनी दिशा में गति करने लगता है। तो देखो सब कितना व्यवस्थित चल रहा है ना, लेकिन घूम फिर कर पलट कर देखें तो किसको किसकी आवश्यकता है। फूलों को, मधुमक्खियों को, भंवरों को, पशु पक्षियों को, मनुष्य को, सबको सूरज की जरूरत है। सूरज को अपने उदय और अस्त होने के लिए इनमें से किसी की जरूरत पड़ती है भला? नहीं, वो किसी पर आश्रित नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हमें ज्ञान रूपी सूरज अर्थात अम्मा जैसी सदगुरु माँ की आवश्यकता है। उन्हें हमारी नहीं, वो तो स्वरूप में स्थित हैं ही, वो हमारा आश्रय हैं और हम उनके आश्रित। ऐसा आश्रय, ऐसा संबल, ऐसा सूरज दुनिया में रोज रोज हमारे बीच प्रकट नहीं होता। आइए उनके प्रेम अमृत में सिक्त वचनों से अपना जीवन सार्थक कर लें। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। പണ്ട് ഗുരുകുലം ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം നല്ല കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കാനും ആ വികാര വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിച്ചത്, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒന്നായി തന്നെ പിന്നിൽ ഒരു മാറുകയാണ്. മൻ ഹി സുഖ് ഓർ ദുഃഖ് ദോനോ കാ കാരൺ ഹൈ. മൻ കേ സ്വഭാവ കോ സമജ് ലിയ फिर उससे हटकर साक्षी भाव में रहना मानो पड़ोस के घर की घटना को देख रहे हो, जिससे हमारा मोह ना हो उसके घर में घटती घटना को जैसे हम देखते हैं वैसे ही अपने जीवन की घटनाओं को देखना, ये है साक्षी भाव। शास्त्रों का अध्ययन साक्षी भाव में रहने में सहायक हो सकता है। अम्मा ये नहीं कहती कि हम दूसरों की समस्याओं को दूर से देखकर उपेक्षा कर दें, हम में करुणा का भाव होना चाहिए। एक अंधे व्यक्ति पर तरस खाने से उसकी मदद तो नहीं होगी, उसे प्रकाश नहीं मिलेगा।
हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। हम कुछ दे ना भी सकें, तो राह दिखाना भी मार्गदर्शन ही होगा। अंधे व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद करना, ऐसा करुणा भाव हम में होना चाहिए। एक बार किसी के पड़ोसी की मृत्यु हो गई। देर तक उसकी अपनी बच्ची घर नहीं आई। बाद में जब वो घर लौटी, माँ ने पूछा, कहाँ गई थी? बच्ची ने कहा, बाजू वाले घर में बच्चे की मृत्यु हो गई, मैं वहाँ गई थी। तुम उनका बच्चा लौटा लाई? बच्ची बोली, वो मैं कैसे कर सकती हूँ? उसकी माँ को रोते देखा तो मैं उनकी गोद में जा बैठी, मैं भी रो दी और मैंने उनके आंसू पोंछ दिए। वो बच्चे को जीवित नहीं कर सकती थी। जब वो रो पड़ी और उस माँ के आंसू पोंछे तो माँ शांत हो गई। तो ऐसी होती है सांत्वना जो हम उन्हें दुख के समय देते हैं। क्योंकि लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया होता, इसलिए वो मोह को आसानी से त्याग नहीं सकते, डूब जाते हैं उसमें। उससे उबरने में थोड़ा वक्त लगता है। साक्षी भाव से देखते हुए उनके मन को हमें समझना चाहिए और उनके स्तर को भी। हम घर से चले और पेड़ पर बैठा कौआ हमारे ऊपर विष्ठा कर दे, तो कौए पर क्रोध करने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल तो यही होगा, उसे धो और चलो। हम यही तो करते हैं ना। हम अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर कौए के पीछे तो नहीं लग जाते कि आज इसे मारकर ही रहूंगा। इसी तरह हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अनजाने में हो गया या ऐसा वैसा हो जाता है, ये सोचकर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। जिसे तैरना आता हो वो लहरों का मजा लेता है, नहीं आता वो डूब जाता है। मशीन खरीदो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। उसी तरह व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरत होती है आध्यात्मिकता की। ये अंधविश्वास नहीं, अंधत्व को दूर करने वाली है। अक्सर मनोरोग होने के बाद हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। इससे उन्हें कुछ आराम मिल सकता है और इस प्रकार दवा अच्छी नींद लाने में सहायक हो सकती है। क्यों ना पहले ही हम अपने मन को संभालने की कला सीख लें। पहले रिहर्सल करने के बाद ही स्टेज पर जाते हैं। पहले लोग गुरुकुल में शिक्षा पाने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। विवाह का हेतु शारीरिक तुष्टि नहीं, अच्छी संतान पैदा करना और परस्पर भावनाओं को साझा करके उससे ऊपर उठना होता था। उनका लक्ष्य स्पष्ट होता था, इसलिए वे खाने के लिए नहीं जीते थे, जीने के लिए खाते थे। शरीर को जीवित रखने के लिए सब कर्म उनके उसी दिशा में होते थे। एकाकार होकर रहना ही विवाह का हेतु था, इसलिए द्वैत उनके लिए समस्या नहीं बनता था। वे साथ मिलकर उन्नति करते थे। सर्कस सीखने के बाद ही रिंग में उतरते हैं। अगर कोई सर्कस सीखे बिना रिंग में उतर जाए तो फिर क्या होगा? मान लो स्टेज हिलती हो और उसके खंभे मजबूत ना हो और नर्तकी नृत्य कर रही हो। चाहे वो श्रेष्ठ नर्तकी हो, कोई उससे जाकर कह दे कि स्टेज मजबूत नहीं है तो मैं गिरूंगी गिरूंगी सोच के उसे नृत्य में मजा नहीं आएगा, नृत्य में सुंदरता नहीं होगी। अंदर से भयभीत हुई वो नृत्य कर रही है। जबकि स्टेज मजबूत हो तो वो निर्भय और आनंदित होगी और दूसरों को भी आनंद दे पाएगी। हमारी नींव, हमारी आधारशिला, हमारी फाउंडेशन हो आध्यात्मिकता, फिर भय नहीं होगा। हम भी आनंद के भागी बनेंगे और दूसरे भी। ऐसा होगा जब हम आध्यात्मिकता को समझेंगे। महात्माओं ने भी बहुत दुख झेले, पर दुख उन्हें छू तक नहीं सका। उन्हें सामना करने की ये विधि मालूम थी। प्रत्येक का धर्म अलग होता है। सड़क का धर्म भिन्न होता है परिवार धर्म से और ऑफिस का पुलिस स्टेशन से। जीवन में हर जगह का धर्म अलग होता है। नाव में कैसे बैठना है, विमान में कैसे उठना बैठना है, उसके अनुसार करना चाहिए सब जगह।
कौवे को कौवे की तरह देखो, कोयल को कोयल की। इस भाव के साथ जीना चाहिए, जिससे प्रेम हो उसमें हमें सौंदर्य दिखाई देता है। यदि प्रेम ना हो तो लोक सुंदरी भी कुरूप मालूम होती है, कोई ना कोई दोष निकाल लेते हैं। ऐसी है हम सबके मन की अवस्था। मन को भाए तो कोई भी कर्म हो सुखद लगता है। मन ही सुख का हेतु है और दुख का भी। इस स्वभाव को जाने और साक्षी भाव से देखते रहें। Yeah.
बॉस्टन से वाशिंगटन डीसी के रास्ते में अम्मा अपने वॉलंटियर्स में फिर एक बार स्फूर्ति भर देने के लिए रुकी। अम्मा स्वयं भक्तों के संग इतना घुल मिल जाती हैं कि वे इन विशेष पलों के लिए तरसते हैं। अपने सत्संग में अम्मा ने कहा, पुराने जमाने में गुरु शिष्यों को भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे। कोई गृहस्थ उन्हें आदर सम्मान देता तो कोई पत्थर मारकर भगा देता। असल में गुरु स्तुति और निंदा को लेकर उनके मानसिक समत्व की परीक्षा के लिए उन्हें भेजा करते थे। हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं, किंतु परिस्थिति आने पर ही सच्चा स्वभाव सामने आता है। करुणा यानी दूसरों के लिए अपने आप को भुला देना। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरुकुल के शिष्यों को पढ़ाई की समाप्ति पर 3 किलोमीटर दूर रहने वाले अपने परम गुरु से प्रमाण पत्र लेने जाना पड़ता था। उन्हें बीच रास्ते में बहुत सी कंटीली झाड़ियाँ पड़ी होती थीं। सब शिष्य उन झाड़ियों के बाजू से लंबा चक्कर लगाकर निकल गए और वापसी में देखा कि उनका एक साथी रास्ते को साफ करने में लगा था। उन्होंने उससे कहा, अरे हम तो उधर से चले गए थे, सांझ हो चली है, तुम भी जल्दी आओ। वो बोला, हाँ सांझ हो रही है, तभी तो मैं इन्हें जल्दी जल्दी हटा रहा हूँ। हम तो दिन के वक्त देख पाए, पर रात को यहाँ से निकलने वाले लोग देख नहीं पाएंगे। सब उसे पागल समझकर आगे बढ़ गए तो अचानक गुरुजी, जो एक पेड़ के पीछे से ये सब देख रहे थे, वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे उत्तम शिष्य कहकर गले से लगा लिया और कहा, दूसरों के रास्ते से कांटे चुनने वाला अपने रास्ते में फूल बिछाता है। सच्ची शिक्षा तो तुम्ही ने पाई है। वाशिंगटन डीसी वो जगह है जहां देश की दिशा को लेकर हर कोई उत्तेजना के साथ वाद विवाद में पड़ा नजर आता है। लेकिन अम्मा के हॉल में आते ही राजनीति को विराम लग जाता है। आध्यात्मिकता हम सबको एकता के सूत्र में बांधती है और अम्मा का स्पर्शनीय प्रेम ही यहाँ के भक्तों के घाव भरता है। अम्मा से निश्चित होने वाली शांति को महसूस कर उनकी धड़कने बढ़ जाती है। अम्मा के सानिध्य की शांति में भक्तों को फिर एक बार जीवन के उद्देश्य का एहसास हो आया है। वो अपने से आगे समाज के साथ नाते को महसूस कर पा रहे हैं। अम्मा की गोद में ना सिर्फ वे स्वयं अम्मा के प्रेम का अनुभव करते हैं, बल्कि इससे उन्हें दूसरों तक भी प्रेम का संदेश फैलाने में सहायता मिलती है। रंग राजी माई सावरे, रंग राजी माई सावरे, रंग राजी सावरे सावरे माई प्रेम और पूर्णता के इस अनुभव को भक्त गंवाना नहीं चाहते। जब अम्मा के लौटने का समय निकट आता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो उनका कोई अपना नया नया प्रेम दूर जा रहा है। लेकिन अम्मा ने जो उन्हें दिया है उससे वे प्रेरित हैं और उस प्रेरणा को फिजूल न गंवाकर उस प्रेम और करुणा को अपने दैनिक जीवन में सब में बांटने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं।